क्लास में जहां तक किया था उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी भी हम लोग कैपेसिटर के सर्किट वाले प्रॉब्लम करेंगे। सामने एक जो है वो सर्किट का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये सारा कैपेसिटेंस मान लो सी है, ये सब सी है, ठीक है, और ये बैटरीज दी हुई है ई मान लो, और ये टू ई और ये ई, ठीक है। तो सर्किट सॉल्व करके चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो देखो है तो ये केवीएल केसीएल का ही सवाल, बट इसमें क्या है कि तीन बैटरीज हैं, तीन कैपेसिटर है, इसमें हम रिलेटिव पोटेंशियल का भी यूज कर सकते हैं और चाहो तो केवीएल केसीएल से भी कर सकते हो। अगर केवीएल और केसीएल से करोगे तो किसी एक बैटरी से चार्ज निकालो, फिर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर केवीएल केसीएल यूज कर लो, ठीक है। तो अगर मान लो केवीएल केसीएल का यूज करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से ऐसे आ गया चार्ज क्यू, ठीक है, तो इधर से भी लौट के कितना आया होगा क्यू, इसका मतलब इस पे होगा प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू। ये क्यू जब जाएगा तो यहाँ दो ब्रांच में होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक पे क्यू वन गया, एक पे क्यू टू गया, तो अगर बीच वाले में क्यू वन गया तो इस पे प्लस और माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऑफकोर्स क्यू वन होगा, और इस पे हो जाएगा Q2 और माइनस Q2 होगा, ठीक है। तो टोटल तीन अननोन हो गए, तो तीन इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो आपका ये खुद ही हो गया Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है, और बाकी के दो इक्वेशन आप KVL लगा सकते हैं ऊपर वाले लूप में, नीचे वाले लूप में, या बड़े वाले लूप में घूम जाइए, ठीक है। अगर हम ऊपर वाले लूप में घूमते हैं, सपोज इस लूप में, ऊपर वाले लूप में ऐसे, तो क्या मिलेगा, स्टार्ट करते हैं अगर यहाँ से, तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो चलेंगे, तो पहले क्यू मिला तो मिलेगा क्यू बाई सी, ठीक है, क्यू बाई सी, फिर आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा माइनस टू ई, और उसके बाद यहाँ आएंगे तो क्या मिलेगा प्लस क्यू वन बाई सी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, फिर आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा माइनस ई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो Q जो है वो खुद Q1 प्लस Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 करोगे तो एक Q1 यहाँ भी है, तो ये हो गया 2Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 3E, ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। एक और चाहिए तो उसके लिए आप नीचे वाले में भी घूम सकते हैं या पूरा ऊपर से नीचे एक साथ भी घूम सकते हैं। तो मान लो नीचे वाले में घूम जाते हैं यहाँ से स्टार्ट करके, तो क्या मिलेगा यहाँ से, चलो देखो पहले ये ईएमएफ को क्या मिलेगा प्लस ई, उसके बाद यहाँ हो गए तो माइनस चार्ज मिला माइनस क्यू वन, तो माइनस क्यू वन अपॉन सी, इसका पोटेंशियल लिखेंगे, फिर आगे जाएंगे तो देखो फिर से क्या मिला प्लस ई, ये वाला बैटरी, फिर आगे चलेंगे तो क्यू टू मिला है प्लस वाला, तो इसका पोटेंशियल हो गया क्यू टू बाई सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये ध्यान से देखो, ये इधर 2e है और इधर है Q2 माइनस Q1, उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा Q1, यहाँ पे C छूट रहा है ऊपर में, यहाँ पे C और C था ना, तो यहाँ पे E इंटू सी होगा, यहाँ पे आ जाएगा Q1 माइनस Q2, ठीक है, इज इक्वल टू टू सी ई, तो ये हो गया इक्वेशन थ्री। अब कुल मिलाकर के आपके ये तीन इक्वेशन हो गए, अब इसको अपने सिचुएशन के हिसाब से जो है सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जो सवाल हमने किया उसी को ले लें या उससे मिलता जुलता कोई भी केस ले लें, रिलेटिव पोटेंशियल से भी ये सब सवाल हो जाता है। रिलेटिव पोटेंशियल में आपको डायग्राम में ही सब कुछ लिखना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि ये आपका वो डायग्राम हो गया, ठीक है, और यहाँ जो कैपेसिटर्स और बैटरी बने हुए थे वो कैसे थे, तो यहाँ एक कैपेसिटर था, ठीक है, यहाँ एक बैटरी था, ये आपका 2E था, ठीक है, उसके बाद यहाँ एक कैपेसिटर था, यहाँ एक कैपेसिटर था, सारे कैपेसिटर आपके सी हैं,
ठीक है, फिर यहाँ पर भी बैटरी आपका था, यहाँ का बैटरी कैसा था जी? ऐसा था, और एक यहाँ भी था। अच्छा, बैटरी कैसे भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ता है, मान लेते हैं ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये ई ले लिया, ई ले लिया, अलग टाइप का हो गया थोड़ा। अब चार्ज निकालना है अगर आपको हर कैपेसिटर पे, तो स्टार्ट करते हैं कहीं पे जीरो पोटेंशियल मान करके। तो देखो, अगर हम यहाँ पर जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं कहीं पे भी, कि ये मान सकते हैं, जैसे मान लो इस तरफ जीरो मान लेते हैं, ये जीरो हो गया तीनों, ठीक है। चलो अब इसको पार करोगे तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा माइनस ही, लेकिन कैपेसिटर के दूसरी तरफ क्या है आप नहीं मान नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी, वो क्यू बाई सी होता है। डेल्टा वी मतलब इधर और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर का पोटेंशियल पता है, इधर का नहीं पता है, वो तभी तब तक नहीं पता चलेगा जब तक क्यू ना पता हो। तो इधर का पोटेंशियल कुछ एक्स मान लो, तो ये जंक्शन से ये भी कितना हो जाएगा एक्स, और यहाँ भी कितना हो जाएगा एक्स। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ का चार्ज कितना हो जाएगा? देखो, यहाँ का चार्ज हो जाएगा आपका, या यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा ई, एक्स प्लस ई, इधर से ई ज्यादा। इसी तरह एक्स है तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा एक्स माइनस टू ई, ठीक है। अच्छा, ये सब लिखने के बाद अब हमें एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए हम लोग जो है वो केसीएल यूज करेंगे। देखो कैसे, ध्यान से देखो, इस कैपेसिटर में या इस सिस्टम में कैपेसिटर के जो तीन प्लेट्स हैं, ये प्लेट और ये प्लेट, देखो ये आपस में इस ब्रांच से कनेक्टेड है ना यहाँ पे ऐसे, तो इन तीनों का मिला करके चार्ज जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। जैसे हम लोग मानेंगे जंक्शन पे कि इधर मान लो Q1 चार्ज गया, इधर Q2 गया और नीचे की तरफ Q3 गया, तो जंक्शन पे आपको पता है कि जो नेट समेशन ऑफ करंट होता है या नेट समेशन ऑफ चार्ज वो जीरो होता है। तो इन तीनों कैपेसिटर्स के, इस इन इन तीनों प्लेट्स का जो है ना सम ऑफ चार्ज जीरो होगा। ये कॉन्सेप्ट सीधे उसी से उठाया गया है, करंट से, KCL में जो पढ़ते थे हम लोग, से समेशन ऑफ I इक्वल टू जीरो, वही चीज लिखा है समेशन ऑफ Q इक्वल टू जीरो। अब देखो कैसे लिखेंगे इस प्लेट का चार्ज, चार्ज लिखना है तो Q इक्वल टू CV होता है। तो जब इसका लिखना चाहोगे यहाँ पर इस प्लेट का, तो चार्ज लिखना होगा C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब इसका लिख रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे जीरो माइनस दिस, ठीक है ना, जीरो माइनस दिस। क्या लिखना पड़ेगा इसमें? जीरो माइनस एक्स माइनस टू ई। इसको अलग से साइड से ऐसे दिखा देते हैं। मान लीजिए कि एक कैपेसिटर ऐसे है, ठीक है, और इधर का पोटेंशियल V1 है और इधर का पोटेंशियल V2 है। आपको इसका चार्ज लिखना है, इसका प्लस क्यू माने आपने, तो क्यू इक्वल टू सी वी होता है। उस V का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज माना है तो इधर का पोटेंशियल हाई माना है और इधर का लो, तो लिखेंगे V1 माइनस V2, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस तरफ का प्लस क्यू माना होता तब चार्ज लिखने के लिए CV में लिखना पड़ता V इक्वल टू V2 माइनस V1, ठीक है। तो Q इक्वल टू CV में हमेशा याद रखना है कि ये जो V होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये हमने कहाँ का पोटेंशियल लिखा है, या ये किसका चार्ज लिखा है? इस वाले प्लेट का। अब यहाँ आ जाओ, ये जो प्लेट है इसका चार्ज लिखने के लिए देखो क्या लिखेंगे। कैपेसिटेंस तो वही हो गया सी, और इधर का पोटेंशियल है माइनस ई और इधर का एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस ई माइनस एक्स। फिर प्लस सी, इधर का देखो, इधर का है एक्स प्लस, इधर का जीरो है और इधर का है एक्स प्लस ई, तो जीरो माइनस एक्स प्लस ई ऐसे लिखना होता है, ठीक है। अब ये सिंपल सा केस है, इसको सॉल्व कर देना है। देखो सी सब में है, कॉमन है, कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा? ये 2e माइनस x, ठीक है, और ये बचेगा आपका c हट जाएगा तो माइनस ई माइनस एक्स, और यहाँ पे भी क्या बचेगा? माइनस एक्स माइनस ई इक्वल टू जीरो, ठीक है। 2e माइनस c माइनस c, तो ये कितना आ जा रहा है आपका? ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं? ये हो रहा है, यहां से आ जा रहा है आपका 3x इज इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो आ जा रहा है, ठीक है।
तो x इक्वल टू जीरो आते ही यहाँ पे पुट कर दो, x इक्वल टू जीरो करोगे तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, माइनस टू ई हो गया कि नहीं। इसी तरह से यहाँ पर x इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है, यहाँ पर भी x इक्वल टू जीरो कर दो, यहाँ पे क्या आ गया, ये e आ गया। अब किसी भी प्लेट का चार्ज निकाल सकते हो, किसी भी कैपेसिटर का। देखो इस कैपेसिटर के दोनों तरफ में एक तरफ जीरो है एक तरफ माइनस टू ई है, तो हाई पोटेंशियल कौन हो गया इधर, तो इसका ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगा और ये प्लेट नेगेटिव होगा। चार्ज निकालेंगे कैसे, तो अगर उस पे चार्ज Q1 लिखेंगे तो Q1 इक्वल टू CV लिखोगे तो C रहने देंगे और V क्या लिख देंगे, जीरो माइनस ऑफ माइनस टू ई, ये हुआ ना। सो आ गया चिमटी, चलो हेलो तो यहाँ पर इसका चार्ज कितना आ जा रहा है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये देखो कितना आ रहा है, टू सी ई, ये इस प्लेट का चार्ज हुआ। उसी तरह से बीच वाले का अगर चार्ज हम Q2 ले ले, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इधर जीरो है इधर माइनस ई है, ये हाई है ये लो है, तो ये पॉजिटिव प्लेट होगा ये नेगेटिव प्लेट होगा और इस पे चार्ज होगा जीरो माइनस माइनस ई, मतलब ई का पोटेंशियल डिफरेंस है तो सी ई होगा। जो नीचे वाला कैपेसिटर है थर्ड वाला, ये वाला, ये वाला, इधर जीरो है इधर ई है, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो E का है और इधर E उधर जीरो, मतलब ये हाई है ये लो है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ भी चार्ज कितना होगा CV, ठीक है। अब आप इजीली देख सकते हैं कि किस पे तीनों, इन तीनों प्लेट का हमने जो ग्रीन मार्क लगाया है, क्या इन तीनों प्लेट का सम जीरो नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, इस पे प्लस चार्ज कितना है, टू सी है, इस पे कितना है क्यू टू वाला सीई, और यहाँ भी देखो क्या है सीई, ये दोनों 2C मिलके इस 2C को कैंसिल कर दिया, तो वहां से ये चीज आ गया कि नहीं, ठीक है, कि नेट जो चार्ज होता है किसी जंक्शन पे अगर आउटवर्ड फ्लो कराओगे तो उसका सम जीरो होगा, एंड दिस इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स करंट लॉ। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग कैपेसिटर में भी यूज करते हैं। अब हम लोग फोर्स पर कुछ सवाल करेंगे। दो कैपेसिटर के जो प्लेट होते हैं एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं और वो होता है क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए इप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। इसके ऊपर देखो सिंपल सिंपल सवाल किया जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरह से दे दिया जाए कि ये कैपेसिटर है का प्लेट है और ये इधर से फिक्स है और दूसरा प्लेट इस तरह से है, ठीक है, और यहां से इस तरह से वायर या स्ट्रिंग लगा करके पुली से पास कराया गया और नीचे लगा दिया गया एक ऐसे ब्लॉक, ठीक है, इस ब्लॉक का मास m है। अब कह दिया जाए कि इस पे प्लस q और इस पे माइनस q चार्ज है, प्लेट का एरिया a है, तो कहा जाए कि m क्या रखा जाए ताकि ये प्लेट्स आपस में जो है वो अट्रैक्ट करके चिपक न जाए, ठीक है, तो ये अट्रैक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो दोनों के बीच में ये फोर्स लग रहा है, तो अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है इसको ये खींच रहा है और आप चाहते हैं ये अट्रैक्ट हो कि इसमें न चिपक जाए, तो उतना ही फोर्स नीचे से ये mg लगाएगा, तभी तो ये बैलेंस रहेगा, ठीक है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है एफ वो mg के बराबर होना चाहिए। सीधे न्यूटन्स लॉ लगा दिया, अगर ये दोनों फोर्स बराबर रहेंगे तो न प्लेट आगे जाएगा न पीछे जाएगा, ठीक है, प्लेट का मास नेग्लिजिबल है, उसका कोई मास नहीं लेना है, और इधर से ये वाला प्लेट जो है वो रिजिडली ऐसे रॉड से लगा हुआ है तो ये प्लेट मूव नहीं कर सकता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई टू ए इप्सा नॉट, तो सिंपल एक लाइन का ये न्यूमेरिकल है, क्यू स्क्वायर बाई टू ए इप्सा नॉट इंटू जी, इतना मास आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लो। देखो फोर्स बिटवीन प्लेट्स पे एक और सिंपल सा केस करो। अगर हमारे पास ये कैपेसिटर है, इसके ये दो प्लेट है, ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स को हमने आइसोलेटेड कर रखा है, मतलब ऑलरेडी चार्ज कर लिया है, प्लेट एरिया जो है वो ए है
और उसके बाद क्या है कि इनका जो सेपरेशन है वो डी है शुरू में, ठीक है। अभी जो है इसका इनिशियल कैपेसिटेंस सी है, सी के टर्म में आंसर बताना है। तो अगर हम इसके सेपरेशन को डी से बढ़ा के 2D कर दें, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, कितना वर्क होगा इसका सेपरेशन डी से 2D करेंगे तो, सोचो कैसे निकालेंगे। ये आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर है, आइसोलेटेड का मतलब ये है कि पहले ये किसी बैटरी से कनेक्ट होकर चार्ज हुआ था, बाद में उस बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया गया, तो अब उसके बाद इस पे चार्ज रह गया है क्यू और माइनस क्यू। एक आइडियल कैपेसिटर अपना चार्ज इनफाइनाइट टाइम तक उसी तरीके से रख सकता है, ठीक है। तो ये चार्ज है या आइसोलेटेड है, इसका कुछ भी कर लो चार्ज नहीं चेंज होने वाला। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, सोचो, डी से 2D करना है, वर्क निकालना है, तो ट्राई करो। देखो अगर हम इस पे चेक करें तो ये जो इधर से प्लेट को, कोई भी एक प्लेट ले लो, इस प्लेट को ये इस तरफ से खींच रहा होगा, ठीक है, कौन प्लस क्यू माइनस क्यू को अट्रैक्ट कर रहा होगा। आप चाहते हैं कि ये इधर खींचे तो आपको एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं, तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा इसमें वो एफ, ये इसके क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए, और इसको फिर स्लोली आप बढ़ाइए डी से 2D ले जाइए। अब जब आप इसको इंक्रीज करा रहे होंगे सेपरेशन, तो उस समय जो ये फोर्स है क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल है, ये चेक कर लेते हैं। जब ये प्लेट दूर जा रहा होगा तो चार्ज तो चेंज होना नहीं है, आइसोलेटेड केस है, चार्ज कांस्टेंट, प्लेट का एरिया कांस्टेंट, इप्सा नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब ये फोर्स कांस्टेंट है। और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो इसका डी से बढ़ा करके 2D किया है ना, तो ये प्लेट कितना आगे गया होगा, डी आगे गया होगा, ठीक है, एज्यूमिंग दैट कि एक प्लेट फिक्स रखा और एक प्लेट को डी आगे खींच के ले गए, तो ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 2a epsilon naught into d। अब according to question initial capacitance c था, initial capacitance epsilon naught area by d होगा, तो हम इसे q square by 2c लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो work है external agent का, it is also called work done against electric field, ठीक है, work done against electric field, क्योंकि ये जो force लग रहा था electric field वाला, इसका बस चलता तब तो ये प्लेट को खींच करके इधर ले आता और प्लस क्यू से जो है ना ये टकरा जाता, तो इसके अगेंस्ट हमने काम किया है। अच्छा, अगर हमारा वर्क एक्सटर्नल का वर्क कितना है, तो अगर पूछा जाए कि इस प्रोसेस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बोलेंगे सेम वर्क हुआ है, बट यही है कि माइनस हुआ है, ठीक है, सेम वर्क हुआ है, माइनस हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था इस पर। अब इस नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग फिर से उसी तरह का एक केस लेंगे, लेकिन इस बार बैटरी से कनेक्टेड है कैपेसिटर, ठीक है, तो बैटरी से कनेक्टेड है तो इसका मतलब कैसा हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये इस तरह का हमने बना दिया, ठीक है, ये कैपेसिटर है आपका, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं कि सी है, और यहाँ पर एक बैटरी लगा है जिसका ईएमएफ वी है, ठीक है, ऑलरेडी ये चार्ज्ड होगा। अब इसका जो प्लेट का सेपरेशन है वो डी से 2D कर दिया गया, ठीक है, स्लोली खींच करके स्लोली डी से 2D कर दिया गया, तो इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा पिछले बार की तरह बताना है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सोचना कि जब ये प्लेट इससे दूर खींच कर ले जा रहे होंगे, सेपरेशन बढ़ रहा होगा, तो कैपेसिटेंस चेंज हो रहा होगा, और कैपेसिटेंस अगर चेंज हो रहा होगा तो इस पे जो चार्ज होता है क्यू इक्वल टू सी वी, वो चार्ज भी चेंज हो रहा होगा, और अगर चार्ज चेंज हो रहा है तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन है क्यू स्क्वायर बाई टू ए इप्सा नॉट, चार्ज वेरिएबल है, दैट मीन्स फोर्स भी वेरिएबल होगा,
तो पिछला बार वाला केस सिंपल था क्योंकि उसमें चार्ज कांस्टेंट था तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स वाज कांस्टेंट। अगर फोर्स इस केस में वेरिएबल है तो आपको पता है कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, ये करते हैं ना एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो हम करेंगे क्या, इसमें हम किसी बीच के टी टाइम पे इनिशियल और फाइनल के बीच में मान लेंगे कि सेपरेशन जब एक्स था तब उस समय प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा था वो निकालेंगे, फिर एफ इंटू डी एक्स करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तब वहां से आपको टोटल वर्क आएगा। तो चलो पहले इसको ट्राई करो। तो चलो देखो इसका सॉल्यूशन। मान लिया किसी टी टाइम पर सेपरेशन जो है दोनों प्लेट के बीच में एक्स है, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है, तो जब सेपरेशन एक्स होगा उस समय बैटरी पे चार्ज, कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, तो सी लिखेंगे इप्सा नॉट ए अपॉन एक्स इंटू वी लिखेंगे। तो उस समय फोर्स कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाय टू ए इप्सा नॉट। तो अंदर में जो प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ये फोर्स क्यू का क्यू स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो क्यू स्क्वायर करोगे तो देखो क्या क्या आएगा, इप्सा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अभी मैंने इसको भी किया स्क्वायर, और इसके अलावा ये टू ए और इप्सा नॉट अलग से है, ठीक है। तो इसमें एक इप्सा नॉट तो यहां से कट गया, एक ए भी कट जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या बचा, अब देखो बचा है इप्सा नॉट कैपिटल ए वी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर। अब ये बता रहा है कि आपको इतना एक्सटर्नल फोर्स अपनी तरफ से लगाना होगा और इसको स्लोली खींच करके डी से टू डी ले जाना है। ये फोर्स पे थोड़ा नजर दौड़ाओ, नीचे में एक्स स्क्वायर है, जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ रहा है एक्स बढ़ रहा है फोर्स वीक हो रहा है, मतलब फोर्स आगे चलने पर कमजोर पड़ता जाएगा। तो आपको एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगाना है जितना अंदर का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ताकि ये प्लेट एक्सलरेट ना हो जाए, स्लोली ले जाना है ना इसको डी से टू डी। तो फोर्स अगर एक्स का वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो ऊपर में लिखा ही हुआ है एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो एफ की जगह लिख दिया एप्सा नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर एफ इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां लगाओगे भाई, तो एक्स जीरो से नहीं स्टार्ट हुआ था, एक्स जब स्टार्ट हुआ था उस समय सेपरेशन डी था, तो लिमिट डी से जाएगा 2d तक, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, इप्सा नॉट ए और v स्क्वायर कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय x, और इसमें लिमिट लगा देना जहां से जहां दिया हो d से 2d, ठीक है। तो इसको करोगे तो ये 1 बाय 2d शायद आता है, तो फाइनली यहाँ जगह नहीं है, इप्सा नॉट ए वी स्क्वायर बाय 4d आएगा, और हम लोग इप्सा नॉट ए बाय डी, इप्सा नॉट ए बाय डी इसका इनिशियल कैपेसिटेंस था, तो लिख सकते हैं इसको सीवी स्क्वायर बाय 4, वेयर सी इज इप्सा नॉट ए बाय डी इनिशियल कैपेसिटेंस। तो ये थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, इससे पिछला वाला केस इजी था क्योंकि फोर्स उसमें कॉन्स्टेंट था। देखो एक छोटा सा सवाल, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में क्या करता है कि जानबूझकर के ऐसा करता है कि कैपेसिटर पे तो ऐसे तो दोनों प्लेट पे आपको चार्ज होना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट, बट पता चला कि किसी एक प्लेट पे चार्ज दिया और एक प्लेट पे चार्ज नहीं दिया, ऐसे भी। मान लो कि एक कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए सी है, लेकिन चार्ज सिर्फ इस पे है क्यू, इस पे कोई चार्ज नहीं, और इसमें कहे कि व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर या व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। अब इस केस में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है डेल्टा वी इक्वल टू क्यू बाई सी होता है ना, वो इसमें अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, वो तब अप्लाई होता है ये वाला फॉर्मूला जब दोनों प्लेट्स पे क्यू और माइनस क्यू हो। तो अब यहाँ कैसे निकाले भाई, तो देखो यहाँ इस केस में निकालने के लिए हम बेसिक मेथड पे चले जाएंगे, बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकाल के E इंटू डी कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है ना, यहाँ से यहाँ की तरफ ऐसे होता है और यूनिफॉर्म होता है दोनों प्लेट्स के बीच में,
ऐसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इसको हम लोग डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो डेल्टा वी होता है दैट इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है। तो ई इंटू डी करने के लिए ई क्या लिखेंगे, तो सिर्फ एक ही प्लेट है तो क्यू बाई हो जाएगा, क्यू स्क्वायर नहीं, क्यू बाई टू ए इप्सा नॉट इंटू डी, ठीक है, तो हो गया। अब ये इप्सा नॉट ए बाई डी इसका देखो सी है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्यू बाई टू सी, तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, नोट कर लो।